नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पिछले 24 घंटे में ही देश में 33,703 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें अभी दो राज्यों के आंकड़े शामिल नहीं है। ये शनिवार के 27,747 केस की तुलना में 21% अधिक है। रविवार को दर्ज किए गए कुल मामले पिछले रविवार 6,542 केस की तुलना में 5 गुना अधिक है। ये दर्शाता है कि कोरोना वायरस के नए वेरियंट ओमिक्रॉन केस की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव वाले 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कोविड-19 टीकाकरण की गति को तेज करने को कहा है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि चुनाव निकाय ने मणिपुर में पहली खुराक के कम प्रतिशत पर भी चिंता व्यक्त की है। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को चुनाव वाले 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। चुनाव वाले राज्यों की तैयारियों का आकलन करने के लिए चुनाव आयोग ने हाल ही में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा का दौरा भी किया था। महात्मा गांधी के खिलाफ बयान देने वाले कालीचरण महाराज भले ही छत्तीसगढ़ में जेल में पहुंच गए हैं, लेकिन उनके विचारों का समर्थन करने वाले लोग मैदान में उतर आए हैं। इंदौर में भी ऐसे ही लोगों ने कालीचरण के समर्थन में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। रीगल चौराहे पर इन लोगों ने न केवल कालीचरण महाराज के समर्थन में नारेबाजी की, बल्कि उन्होंने नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आश्चर्य की बात यह है कि नारेबाजी के समय पुलिस भी मौजूद थी और उसने आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब गोडसे जिंदाबाद के नारों का वीडियो वायरल हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में लगभग 10 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 6 फरियादी, खाना बनाने आए होटल के 5 कर्मचारी और 3 सिपाही शामिल हैं। एंटीजन टेस्ट में इतनी बड़ी संख्या में लोगों में संक्रमण मिलने पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि जनता दरबार में CM के पास जाने से पहले फरियादियों की कोरोना जाँच करवाई जाती है। हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले नरेंद्र कुमार ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 5 दिनों में 2 बार चढ़कर तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। नरेंद्र भारत के पहले ऐसे नागरिक बन गए हैं जिसने 5 दिन में 2 बार माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। नरेंद्र कुमार ने बताया है कि उन्होंने 26 दिसंबर 2021 को माउंट किलिमंजारो नेशनल पार्क में अपनी चढ़ाई शुरू की और 28 दिसंबर 2021 को 6 बजे अपना पहला सबमिट किया और तिरंगा फहराया। सोशल मीडिया पर चीन की सरकार द्वारा समर्थित खातों से गलवान घाटी में चीन के झंडे के फहराए जाने का वीडियो दिखाया गया है। वीडियो से एक बार फिर दोनों देश के बीच सीमा विवाद को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो 1 जनवरी को ग्लोबल टाइम्स और चीनी सरकार द्वारा समर्थित दूसरे ट्विटर हैंडल से साझा किया गया था। पंजाब कांग्रेस में अब भी रार थमती नहीं दिख रही है। प्रदेश के डिप्टी CM और गृहमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोमवार को कहा है कि वो मंत्रालय कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के पैरों में रखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि यदि सिद्धू चाहे तो वो अपना मंत्रालय सिद्धू के पैरों में रखने के लिए तैयार है। रंधावा ने कहा है कि जब से मैं होम मिनिस्टर बना हूं तब से ही नवजोत सिंह सिद्धू नाराज है। दुनिया भर में बच्चों के कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में भारतीय राज्यों ने बच्चों को वैक्सीन डोज लगाने के बड़े लक्ष्य को रखा है। सिर्फ गुजरात इस हफ्ते 36 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेट करना चाहता है। भारत ने सोमवार से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर दी है। कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष और पुष्पराज जैन पर छापेमारी को समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने अल्पसंख्यक का एंगल दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये छापेमारी बताती है कि भाजपा अल्पसंख्यकों के खिलाफ है और वो नहीं चाहती है कि जैन समुदाय के लोग समृद्ध हो सके। लखनऊ में रविवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने ये बातें कही। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बुकिंग के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब श्रद्धालु यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग ही करा सकेंगे। ऑफलाइन बुकिंग की व्यवस्था खत्म की जा रही है। अभी 13 किलोमीटर की ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग कटरा पहुंचने पर ऑफलाइन स्लिप ही लेते थे। औसतन हर दिन 28,000 लोग कटरा पहुंचकर ही बुकिंग कराते थे। महज 2,000 लोग ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा का इस्तेमाल करते थे। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के बंटवारे और कमजोरी से भाजपा और RSS को ही फायदा होगा। रविवार को कोची में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद विनोय बिश्रिम ने यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के विघटन से केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होने वाला है। जब से ओमिक्रॉन आया है तब से दिल्ली में 10 से 15 दिनों में तेजी से मामले बढ़ गए हैं। लोगों में बहुत मामूली लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ रहे हैं। पिछले 2 दिन में 84% मामले ओमिक्रॉन के ही थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोगों से अपील की है कि संयम बरते। पाकिस्तान के लोक लुभावन दावों के बावजूद ग्वादर में स्थानीय लोग क्षेत्र में चीन की मौजूदगी से बेहद नाराज है। उनकी यह भी शिकायत है कि ग्वादर में बेहद मामूली निवेश हुआ है, इससे उनके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें ना तो जल मिलना सुनिश्चित हुआ और ना ही कोई नौकरी मिली है। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन के अनुसार ग्वादर को हुकूक दो तहरीक मुहिम की सफलता भी इसलिए संभव हुई क्योंकि लोग पाकिस्तानी प्रशासन के दमन से तंग आ चुके हैं।
2022 की शुरुआत के साथ ब्लैकबेरी अपने स्मार्टफोन के लिए सपोर्ट खत्म कर देगा। ब्लैकबेरी की तरफ से ऑफिशियल ऐलान किया गया है कि वो सभी क्लासिक ब्लैकबेरी ओएस और ब्लैकबेरी 10 पावर स्मार्टफोन के लिए सपोर्ट बंद करने जा रहा है। कंपनी के बयान के मुताबिक 4 जनवरी 2022 यानी कि कल से ब्लैकबेरी ओएस और ब्लैकबेरी 10 बेस्ड स्मार्टफोन काम करना बंद कर देंगे। भारतीय टेस्ट टीम के रेगुलर कप्तान विराट कोहली जब इंजरी की वजह से दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हुए तो उनकी जगह भारतीय प्लेइंग 11 में हनुमा विहारी को जगह दी गई। कोहली की जगह हनुमा विहारी को शामिल किया जाना थोड़ा सा हैरान करने वाला तो जरूर था, क्योंकि सबको पता है कि श्रेयस अय्यर टेस्ट में मौजूद है और अच्छी फॉर्म में है। खबर के अनुसार श्रेयस अय्यर के पेट में कीड़े हैं और इसकी वजह से ही वो दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं और चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय पटसन निगम लिमिटेड यानी कि JCI ने जूनियर इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट और अकाउंटेंट के भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। कंपनी की तरफ से 24 दिसंबर 2021 को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार तीनों ही पदों की कुल 63 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद जवानों को भटकना नहीं पड़ेगा। अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार बनती है तो भूतपूर्व सैनिकों को सीधे सरकारी नौकरी दी जाएगी, वो उत्तराखंड नवनिर्माण में भागीदारी देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी सरकार आने के बाद अगर राज्य का रहने वाला सैनिक कहीं भी शहीद होगा उनके परिवार को आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कर्नल अजय कोठियाल उनके घर जाकर 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपेंगे। इस साल बिहार से राज्यसभा की खाली हो रही 5 सीटों के लिए सियासत तेज हो गई है। जनता दल यूनाइटेड कोटे से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री आरसीपी सिंह साल के जुलाई में राज्यसभा से रिटायर हो जाएंगे। जदयू के राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र का हाल भी उनका हाल ही में निधन हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की राज्यसभा की सदस्यता भी समाप्त होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे की सीटें भी खाली हो रही है, जिसके बाद राज्यसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। दिल्ली में नई शराब नीति लागू करवाने और ठेके खुलवाने पर कवि कुमार विश्वास ने एक बड़ा खुलासा किया है। अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट ट्विटर पर उन्होंने इस बारे में 3 लाइनें पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि पीने वालों की उम्र कम करने और नए ठेके खुलवाने के पीछे कब से खेल चल रहा था, आखिर में 4 साल के बाद ऐसे शराब माफियाओं और दारू जमाखोरों को कामयाबी मिल गई। उन्होंने बिना नाम लिए लिखा है कि इसमें एक दारू जमाखोर विधायक भी शामिल है। आप हाइपरटेंशन या हाई बीपी की बीमारी से जूझ रहे हैं तो ध्यान रखिए कि इसके लिए आपकी लाइफस्टाइल के अलावा आपके शहर की प्रदूषित हवा भी जिम्मेदार है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है कि गंभीर वायु प्रदूषण वाले शहरों में रहने वाले लोगों में हाइपरटेंशन और हाई बीपी का खतरा अधिक होता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते भारत में एक बार फिर से कोरोना के दैनिक संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। वैसे तो अभी यहां मामले उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं कि दूसरी लहर से इसकी तुलना की जा सके, लेकिन ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के आंकड़े ओमिक्रॉन से जुड़ी तस्वीर को काफी हद तक साफ कर रहे हैं। इनके आंकड़े बताते हैं कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल तो रहा है, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने और जान जाने के मामले दूसरी लहर की तुलना में बहुत कम है। कोरोना महामारी का खतरा अब तक एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना के नए मामले हर दिन दोगुने तक होने लगे हैं। ऐसे में कई राज्यों ने स्कूल कॉलेज में ठंड की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। कई राज्यों में अभी स्कूल बंद करने पर विचार जारी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 28 दिसंबर को दिल्ली सरकार ने ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू कर दिया है। यूपी में स्कूल 15 दिन के लिए बंद है। वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो पटना में 8 जनवरी तक स्कूल को बंद कर दिया गया है। भारत बायोटेक ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया है कि भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तहत एक और बैच में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोवैक्सीन की 5 लाख डोज उपलब्ध करवाई है। भारत बायोटेक ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया है कि आज यानी सोमवार को भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तहत कोविड वैक्सीन की कोवैक्सीन की 5 लाख डोज के अगले बैच की आपूर्ति की है। वैक्सीन डोज का बैच इंदिरा गांधी अस्पताल काबुल को सौंप दिया गया है। अब जब हम नए साल में कदम रख रहे हैं तो फिर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की आहट शुरू हो गई है। दुनिया भर से संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारत में भी कई राज्यों में मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। ये समय सतर्क रहने का है लेकिन घबराने का नहीं है। अभी तक की तस्वीर दिखाती है कि ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते बहुत तेजी से है और इनमें गिरावट भी उतनी ही तेजी से आती है। दक्षिण अफ्रीका के जिस प्रांत में इसकी सबसे पहले पहचान हुई थी वहां 2 हफ्ते में यह लहर खत्म हो गई है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का तेजी से प्रसार हो रहा है। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 3,194 नए मामले सामने आए, जो पिछले साल 20 मई के बाद से एक दिन की सर्वाधिक संख्या है। महामारी से एक मरीज की जान भी चली गई है, जबकि संक्रमण दर बढ़कर 4.59% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक भारत में ओमिक्रॉन के 1,525 मामलों की पुष्टि हो चुकी है।
फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हस्तियों के एक के बाद एक कोविड 19 पॉजिटिव होने की खबर सामने आ रही है। अब निर्माता एकता कपूर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई है। इसकी जानकारी खुद एकता कपूर ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। एकता कपूर का कहना है कि उन्होंने हर तरह से सावधानी बरती, लेकिन फिर भी वो कोरोना वायरस पॉजिटिव आई है। इतना ही नहीं, एकता कपूर ने अपने संपर्क में आए लोगों से भी अपना कोविड 19 टेस्ट करवाने का आग्रह किया है। मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 1 से 8वीं तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। ये फैसला बीएमसी अधिकारियों की बैठक में लिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई में भी बड़ी संख्या में ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ रहे हैं। रविवार को महाराष्ट्र में नए वेरियंट के 50 नए मामले सामने आए थे। स्कूली बच्चे में भी संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ सकता है। राधेश्याम की रिलीज डेट के टालने की अभी प्लानिंग नहीं है, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया गया है। निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने जब ई टाइम्स की टीम ने जब पूछा उनसे कि फिल्म के पोस्टपोन की अभी कोई योजना है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि अभी कोई योजना तो नहीं है, लेकिन जब उनसे कहा गया कि अगर हालात बिगड़ते हैं तब वो अपनी बात से पीछे हट गए। मामले बढ़े तो इस फिल्म के मेकर्स की मजबूरी है रिलीज डेट को टालना। ताइवान में सोमवार शाम को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 रही है। सेंट्रल वेदर ब्यूरो ने बताया है कि भूकंप के झटके देश के पूर्वी हिस्से में महसूस किए गए हैं। भूकंप इतना जोरदार था कि राजधानी ताइपे तक लोगों ने झटके महसूस किए। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर अप्रैल तक खत्म हो जाएगी। हालांकि वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि चुनाव के दौरान रैलियां कोरोना संक्रमण के लिए सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती है, क्योंकि इस तरह की सभाओं में कोविड दिशा निर्देश का पालन करना आसान नहीं है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नुनू कुमार, भरत कुमार, श्रवण चौधरी, सौरभ टेक्निकल, गजेंद्र सिंह, साइमा परवीन, नंदन सिंह, संकेत कुमार, परवेज आलम, जितेंद्र ठाकुर, अजीत कुमार, संतोष यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए क्या 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का आयोजन करवाया जाना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।